खरसिया के ग्राम सोनबसरा जंगल किनारे नवजात बच्ची मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गई है। बताया जा रहा है कि आने जाने वालों को बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी, जहां बच्ची को देख ग्रामीणों ने इसकी तत्काल 112 को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची 112 की मदद से बच्ची को खरसिया सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को स्वस्थ बताते हुए 2-3 दिन का नवजात शिशु बताया है, जिसे उचित स्वास्थ्य लाभ के लिए रायगढ़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। खरसिया के ग्राम सोनबसरा जंगल किनारे नवजात शिशु मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों ने 112 को सूचना दी, जिसके बाद ग्राम के सरपंच मितानिन 112 की मदद से बच्ची को खरसिया सिविल अस्पताल लेकर आए। बताया जा रहा है बच्चे की उम्र लगभग 2-3 दिन की है। वहीं नवजात मिलने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। रायगढ़ जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के व्यापक जागरूकता अभियान के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं आ रहा है। वहीं खरसिया पुलिस सूचना मिलते ही मामले की जाँच में जुटी हुई है एवं नवजात बच्ची को रायगढ़ जिला चिकित्सालय शिशु रोग विशेषज्ञ की देखरेख में उपचार के लिए भेज दिया गया है। वो हम पहाड़ किनारे में सर, हमारे गांव के मेरे चाचा ससुर जो है ना, वो एक बच्ची को देखी रोते हुए, तो फिर हम लोग के चाचा ससुर है तो घर लेकर आ गए। फिर हम लोग को बताया कि बच्ची मिली है करके, फिर मैं बोली कि मतलब 112 को बुला लेते हैं और वहाँ हॉस्पिटल ले जाएंगे, फिर वहाँ उसको देखेंगे कि कैसी है बच्ची करके, तो बच्ची सुरक्षित है। फिर वहाँ चौकी में पता कर लिए कि यहाँ तो बच्ची अच्छी है, फिर यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाए हैं सर। तो कहाँ बच्ची को कौन फेंका, ऐसा कुछ जानकारी अभी थोड़ी मिल पाई? नहीं मिला है। सोनबरसा में झरना के पास एक दो लावारिस बच्ची मिली है, जिसको कि उच्च चिकित्सा के लिए जिला का हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी चिकित्सा के बाद ही पंचनामा वगैरह करेंगे, उसके बाद आगे करना। बच्ची को लगभग 8 बजे लेके आया गया है। तबीयत अभी ठीक लग रही है, वजन उसका 2.05 केजी है। फीडिंग उसको करा दिया गया है, जितनी ज़रूरतें थी उसका ट्रीटमेंट कर दिया गया है। अभी तो बच्ची नॉर्मल लग रही है। यहाँ पे शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए उसको रायगढ़ भेजा जा रहा है बेहतर देखभाल के लिए। 30 तारीख सुबह 5:30 बजे लगभग सोनबरसा के ही निवासी हैं, फुल शायर एक्ट है। वो दिशा मैदान जाने के लिए सुबह निकले थे, तो पहाड़ के किनारे झरना के पास उन्हें जो है नवजात बच्ची मिली, जिसको उनके द्वारा घर लाया गया और मितानिन कुमारी सिद्धार्थ को बताया गया। फिर उनके द्वारा 112 में डायल करके इसकी सूचना दी गई। 112 के टीम के द्वारा नवजात बच्ची को ला करके खरसिया अस्पताल में एडमिट किया गया, जहाँ उसके प्राथमिक उपचार के बाद उसको रायगढ़ रिफर किया गया। अभी रायगढ़ में वर्तमान में चाइल्ड केयर द्वारा नवजात बच्ची को अपने देखरेख में लिया गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई वगैरह भी हुई है? चूँकि नवजात बच्ची को इस परिस्थिति में रखा गया है कि जहाँ पे अगर समय पे इनके द्वारा नहीं उसको जो है प्राप्त किया जाता तो उसकी मृत्यु हो सकती थी, तो इसलिए खरसिया थाना में अपराध क्रमांक 462 धारा IPC की धारा 317 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। और आसपास के एरिया में पता किया जा रहा है कि ये नवजात बच्ची किसके द्वारा इस प्रकार से छोड़ी गई थी। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।